धमकी यार भी तो बड़ी कोई होती वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होता सारे पढ़ो ए दुरूद पाठ के अवल आखिर 12 बारी फिर 12 मिनट पढ़ो अल हफीज हूँ तो सब अल्लाह की हिफाजत आ जाओगे। तमाम लोग जो इधर ना चाहें अब आखिर दुरूद पाठ पढ़ें उसके बाद 12 मिनट अल हफीज हूँ पढ़ें अब अल्लाह की हिफाजत होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये 13 किलोमीटर बॉक्सर आप सब दूर हैं सारे लगा ये सारे ग्लेशियर ग्लेशियर के पहाड़ किस किस ने पढ़ा दुरूद और अल हफीज दुरूद पढ़ो 12 बार हम लोग पैदल 5-6 किलोमीटर के रास्ता जो हम तय करेंगे और बॉक्सर पास पहुँचेंगे वहाँ तू जा पीछे रहो पीछे रहो तू बाल आगे बैठ जा सही है चल जा फिर रस्ते खोलने के लिए लैंप ये सब अपने मन से कुछ भी करें इंशाल्लाह बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। शायद साहब मेरे साथ हैं ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल से जान शायद की मैंने जान बचाई क्योंकि वहाँ से गुजरना नामुमकिन था जान बचाने का काम था लेकिन मैंने जान बचे करना था समझूंगे उसकी जान बचाई। शुक्रिया साकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई। अब आप देखिए एक कुदरत का खूबसूरत मनाजर लीजिए हम आपको देख सकते हैं ये साहब मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि हर चीज़ में जो कुछ होता है वो ही बेहतर होता है। अगर हम लोग यहाँ पे थे ना जीप वाले ने यहाँ रुकना था ना हम रुकना था ना हमने ये जगह देखनी थी जगह को आपका कमाल देखें यह छोटी सी मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह आराम ये देखिए ये मेहराब है मस्जिद कुबा इस साल में सो फार के बाद रास्ते बंद होने के बाद ये हमारा पहला ग्रुप है जो कि इतना आराम से बाप से बाप करो पैदल ग्लेशियर को पार करके आया है। हमें तकरीबन 4 किलोमीटर 6-7 घंटे लगे हैं पार करने में क्योंकि ग्लेशियर बहुत सख्त हैं खतरनाक भी हैं बड़े बड़े पहाड़ इस साल का रास्ता जो है ये आराम से डायरेक्ट डाउन से डाप की तरफ वो सर करने वाले पहले हम बिल्कुल हो गए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जंगल We are here at the end of the left us and they are moving forward because they find the end of the journey. The machines are working, they are removing the ice from the road. This is the rear from the heart, this is very cold and very fast. And this is very good from the area.
फेसबुक।